नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। संस्कृत की सेवा के लिए चैनल है। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके अंदर जाएंगे, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। लेकिन इस समय ये वीडियो जो है वो इलेक्शन के संदर्भ में बनाया है, और ख़ास करके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो प्रमुख अधिकारी हैं, जिनको पीठासीन ऑफिसर कहते हैं, पीठासीन अधिकारी कहते हैं, उनके संदर्भ में ये वीडियो है। ध्यान से सुनिए, आपकी सारी चुनावी प्रक्रिया इस वीडियो के बाद एकदम सरल हो जाएगी। देखिए, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, उन ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा मैं उस संदर्भ में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ उसका ये भाग है और आपको वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जिस दिन इलेक्शन आपके क्षेत्र में है, उससे एक दिन पहले आपको बुलाया जाता है। आप डिस्पैचिंग सेंटर पर पहुँचेंगे, वहाँ जा कर के सबसे पहला काम है कि आपको अपनी टीम बनानी है। आपकी टीम जहाँ जिस टेबल पे आपका नंबर हो वहाँ जा कर के आप ऑर्डर लेंगे, उस ऑर्डर में आपकी टीम का पूरा डिटेल्स दिया होगा। ऐसे ही आपकी टीम के जो जो मेंबर हैं उनके पास आपकी डिटेल्स होगी। आप सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाइए और बड़ी अच्छी तरीके से, जल्दबाजी मत कीजिए, सब एक दूसरे के नंबर ले लीजिए अच्छे तरीके से, जिससे कि कहीं भी कुछ आगे पीछे हो तो तुरंत एक दूसरे से मुलाकात हो सके। वैसे तो उस ऑर्डर पे सबके मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि कुछ नंबर बड़ी जल्दी आजकल बदलते रहते हैं मोबाइल के, तो नंबर ले लीजिए और अपने सेक्टर ऑफिसर से बराबर मिल लीजिए। सेक्टर ऑफिसर ये कहे कि हाँ भाई, आपकी टीम कंप्लीट है, तो उसके बाद आप जा करके अपना सामान लीजिए। सामान लेने के टाइम पे चार चीज़ें अच्छे ढंग से चेक कर लीजिए। एक तो आपके बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट पे एड्रेस टैग लगा होना चाहिए, और उस एड्रेस टैग पे वही नंबर होना चाहिए जिस केंद्र पे आपकी ड्यूटी आई है, और उस पे रिटर्निंग ऑफिसर का सिक्का होना चाहिए। इस चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से चेक कर लें। जब आप इसको चेक कर लेंगे, इसके अलावा ज़रूरी सामग्री जो है उसमें जो मतदार रजिस्टर है, जो स्याही है और जो सारी चीज़ें हैं, उनको भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए। अगर गर्मी बहुत है, यहाँ जगह नहीं है, आपके पास स्थान का अभाव है, तो सब रख लीजिए, चले जाइए सेंटर पे जाकर के, जहाँ आपका मतदान केंद्र है वहाँ जाकर के इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने सेक्टर या जोनल ऑफिसर जो भी है उसको आप बताएंगे, वो इस मामले में आपकी मदद करेंगे कि अगर कोई चीज़ कम पड़ रही है तो वो चीज़ वो आप तक पहुँचाएंगे। पूरी लिस्ट है आपको, जो बुकलेट दी गई है उस बुकलेट में पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट को देख करके आप इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या करना है। अब ध्यान से सुनिए आप, कि आपको अपने केंद्र पे पहुंचने के लिए जो वाहन अलॉट किया गया है आपको उसी में जाना चाहिए। आपके पास अपनी फोर व्हीलर गाड़ी हो, आपके पास अपनी सारी सुविधाएं हो, लेकिन आप उनका उपयोग नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे तो अपनी गाड़ी से जाना है, तो जो आपके साथी अधिकारी हैं, जो साथी लोग हैं, उनके साथ कम से कम मशीन और जो इलेक्शन का सामान है उसको आप सरकारी गाड़ी में जाने देंगे, पूरी सुरक्षा के साथ आप अपनी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। ये खास ध्यान रखिए, ये बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि निकल जाए तो हाथी निकल जाता है और फंस जाए तो चूहे की भी पूंछ फंस जाती है भैया। तो ना करें नारायण कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर हमारे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं होते हैं, इसलिए आपको कभी भी इस प्रकार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप अपने मतदान केंद्र पे पहुंच के वहाँ सारी व्यवस्थाएं देख लीजिए, किस प्रकार से मतदान केंद्र बनाना है आपको, उसके लिए पूरा मेरा वीडियो, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि मतदान केंद्र बनाने के लिए सबसे पहले आपके दरवाजे को दो भाग में विभाजित कर दीजिए, बीच में डोरी बांध दीजिए, एक साइड अंदर आने और एक साइड बाहर जाना ऐसा बोर्ड मार दीजिए, तो इन और आउट हो गया। अगर आपके पास दरवाजे से लेफ्ट साइड में जगह है तो लेफ़्ट साइड से इन कीजिए, अगर दरवाजे से राइट साइड में जगह है तो राइट साइड इन कीजिए, लेफ्ट साइड आउट कीजिए, क्योंकि जिधर जगह है उस साइड आप अपने पोलिंग 1, 2, 3 के लिए कुर्सियां लगवाएंगे, उनके पीछे एजेंट के लिए कुर्सियां लगवाएंगे, और एक जगह पे जहां आपको अनुकूल हो वहाँ मतदान बूथ बनाएंगे, जहां पे कि वो आपका मशीन व्यू और वीवीपैट रखा होगा, और अपनी बैठने की जगह बना लीजिए। आपकी बैठने की जगह ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से हर आने जाने पर आप नज़र रख सकें और सारी चीज़ों को आप मॉनिटर कर सकें। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के
कि मतदाता किसको मत दे रहा है, ये आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, ये किसी को भी दिखाई नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से आप मतदान केंद्र बना सकते हैं। विस्तार से देखने के लिए आप मेरा मतदान केंद्र कैसे बनाए वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। इसके बाद आपके लिए जो वहाँ पहुँचने के बाद करने का काम है, अच्छी तरीके से अपने तीनों मशीनों को कनेक्ट कीजिए और उनको चेक कर लीजिए। मशीन का कनेक्शन बड़ा सरल है इस बार, जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसमें कोई वायर नहीं है, सीयू में कोई वायर नहीं है। आपके वीवीपैट में एक वायर है, वो वायर आपको आपके कंट्रोल यूनिट में लगाना है, और एक वायर आपके वीयू में है यानी वोटिंग, जिसमें मतदाताओं का वो लगा होता है, उसकी बटन दबानी होती है, उसमें एक वायर है, वो आपको वीवीपैट में लगाना। बस दो ही कनेक्शन करने हैं। पहले वीवीपैट को पीछे से ऑन कीजिए और उसके बाद अपने सीयू को ऑन कीजिए। सीयू एक के बाद सारे वो दिखाएगा, सब जगह लाइटें आ जाएंगे, आपका कनेक्शन हो गया है। एक बार आप सारी मशीनों को मत दे, सारे स्विच को एक एक मत देख करके चेक करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं, आपको पूरी पूरी छूट है। क्योंकि आप संपूर्ण तौर से जब विश्वास में आ जाए कि मेरी मशीन एकदम कंप्लीट है, इतना आपको चेक कर लेना चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि पेपर रोल कम पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बार बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे तो 7 स्लिप में पड़ेंगे। और हो सकता है कि आपके यहाँ 7, 8 या 10 कैंडिडेट ही हों, तो 15 स्लिप तो 2 बार स्विच ऑफ ऑन में हो जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, एक ही बार स्विच ऑन किया है तो उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मशीन को सबको चेक कर लीजिए। चेक हो जाए, आपको संपूर्ण तौर पर विश्वास हो, तो उस पूरी प्रक्रिया को बराबर याद कर लीजिए। और बंद करें जब, तो सबसे पहले वीवीपैट को पीछे से बंद कीजिए, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह रखिए, नहीं तो वीवीपैट हिलेगा तो एरर दिखाने लग जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इसको याद रखिएगा, वीवीपैट ऑन कंडीशन में अपनी जगह पे 2 बार 3 बार भी हिल गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी मशीन एरर दिखाने लग जाएगी। इसलिए वीवीपैट जो है वो हिले उससे पहले उसको पीछे से बंद कर देना चाहिए, ये खास ध्यान रहे। एक चीज़ और ख्याल रखिए कि दिन में अगर वीवीपैट का कभी भी बैटरी ख़त्म हो जाती है या और कोई कारण होता है, वीवीपैट को आपको डिसकनेक्ट करना होता है या वीवीपैट में आपको नई बैटरी लगानी होती है, तो आपको सीयू कंट्रोल यूनिट को ज़रूर से स्विच ऑफ करना है, उसके बाद ही आप कोई भी काम करेंगे, नहीं तो आपका वीवीपैट एरर दिखाएगा, आपके सीयू में एरर आएगी उसकी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब क्या करना है कि सारी मशीनें तैयार हो गई, आपको विश्वास हो गया, आपको कनेक्शन करना आ गया, सब कुछ क्लियर है, निश्चिंता से जल्दी से सो जाइए। मोबाइल के चक्कर में ज़्यादा मत पड़े रहिए, नहीं तो क्या है कि मोबाइल देखते रहेंगे, आपको 12 बज जाएंगे, आप सोएंगे नहीं। और सुबह 7 बजे से मतदान होना, यानी 6 बजे आपको मॉक पोल करना है, यानी 5:30 बजे आपको तैयार हो जाना चाहिए। 5:30 बजे तक आप नहा धोकर के रेडी हो जाएंगे और आपको फिर से अपनी मशीनों को कनेक्शन कर देना है। कनेक्शन करके मशीनों को जहाँ जिस तरीके से कंट्रोल यूनिट जहाँ रखना है, सब चीज़ें जहाँ रखनी है, और फिर आप अपने एजेंट का इंतज़ार कीजिए। एजेंट आएगा सुबह, तो एजेंट के आने के बाद आप मतदान शुरू करेंगे। अगर एजेंट नहीं आता है तो भी आपको मॉक पोल तो करना है, मतदान यानी ये मॉक पोल की बात कर रहा हूँ, तो आपको मॉक पोल तो करना है। तो मॉक पोल करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर एजेंट नहीं आया, जो भी ऑब्जर्वर हो, जो हो उनको बुला लीजिए। कोई नहीं हो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपने 2 अधिकारियों को लगा करके 1 बैलेट यूनिट दबाए और 1 वहाँ पे जो है व्यू में से बटन दबा के क्रमशः लिखते जाइए कि किसको कितने मत दिए, उसको सब हिसाब करके, और मॉक पोल अच्छे ढंग से कीजिए। मॉक पोल के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ, उसको आप देख लीजिए विस्तार से जानने के लिए है। और मॉक पोल ख़त्म करके जल्दी से अपनी मशीन को सील कीजिए। मशीन सील हो जाएगी तभी आप मतदान शुरू कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका मॉक पोल थोड़ा लंबा चला और आपकी मशीन बराबर 7 बजे पर सील नहीं हो पाई है, सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है, सीलिंग की प्रक्रिया के टाइम पे आपको सीयू को ऑफ कर देना। मैं तो ये कहता हूँ वहाँ से आप वायर ही निकाल दीजिए, जिससे आपको सीलिंग करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, और बाद में वायर कनेक्ट करके उसको ऑन कीजिएगा, इससे कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आपकी एक तरफ सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है, वो बराबर 7 बज गए हैं और बाहर 2-4 लोग खड़े हो गए हैं, लाइन लगने लग गई है, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप उनको अंदर एंट्री देना शुरू कर दीजिए। आपके पोलिंग 1 को बिठा दीजिए, पोलिंग 2 को बिठा दीजिए, और उनको 1, 2, 3 लोगों को आप धीरे 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 1 by 1 एंट्री देना शुरू कर दीजिए, उनकी प्रोसेस शुरू कर दीजिए, उनका आई कार्ड देखना शुरू कर दीजिए, जिससे कि बराबर 7 बजे मतदान शुरू हो गया था ये आप बता पाएँ। और भले फिर 7:15 हो गए हों तो भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी, 7 बजे आपने पहले आदमी को एंट्री दे दी थी, और फिर मत भले जितने बजे कास्ट होगा इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर आपने मॉक पोल ही नहीं किया है तब तक और 7:30 हो रहे हैं, तो फिर भी
चाहे 7:30 बजे मतदान शुरू हो, चाहे 8 बजे शुरू हो मतदान, शाम को अपने टाइम पे ही मतदान बंद होगा, इसका आप ख्याल रखिएगा। लेकिन उसको आपके रीजन लिखने पड़ेंगे कि इस वजह से हमारा मतदान लेट हुआ है। अब पोलिंग बन पे आप ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कीजिए जो व्यक्ति भाषा से अच्छी तरीके से परिचित हो, जो कूल माइंडेड हो, जो अच्छी तरीके से लोगों के साथ व्यवहार कर पाए, क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी कार्ड चेक करना है और उसकी आइडेंटिटी प्रस्थापित करनी है। अगर वहाँ पे उसको भाषा नहीं समझ में आएगी तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपके यहाँ मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हों और महिलाएँ बुर्का पहन करके आ रही हैं, ऐसी स्थिति अगर आपके यहाँ है तो आपको जो आपके पास लीडिंग महिला पोलिंग ऑफिसर है उसको भी आप वहाँ बिठा सकते हैं, जिससे कि जो बुर्के में महिलाएं आती हैं उनको इस प्रकार की कोई शिकायत का मौका ना मिले कि साहब हमारे साथ किसी ने अभद्र व्यवहार किया है, हमारे साथ कुछ गलत बात हुई है। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रख सकते हैं या इस प्रकार का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि पोलिंग ऑफिसर पर कोई महिला नहीं बैठ सकती है या पोलिंग ऑफिसर पर जिसकी नियुक्ति हुई है वही बैठना चाहिए, ऐसा कोई नियम यहाँ पर नहीं है। आपकी टीम है, आपकी टीम में जिसको जो काम ठीक लगे आप उसको वो काम सौंप सकते हैं। काम अच्छी तरीके से होना चाहिए, यही फाइनली आपका शाम को रिजल्ट बताएगा और आपका संतोष बताएगा कि हाँ आपने जो जिसकी जहाँ पे नियुक्ति की थी आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आपको पीठासीन अधिकारी बनाया गया, आप प्रमुख ऑफिसर हैं। तो आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपके मित्रों के प्रति ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप इशारा करें और लोग आपकी बात को समझें। तो आपको इस प्रकार का ऑफिसर के तौर पे खुद को वहाँ पे प्रस्थापित करना चाहिए। आप चलते हैं, आपके यहाँ वोटिंग शुरू हो गई है। अगर मान लीजिए कोई चैलेंज वोट वाला आ जाता, चैलेंज वोट यानी जो मत देने आया है पीछे बैठा हुआ एजेंट ये कहता है ये तो ये व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई और व्यक्ति है, तो उस केस को आप अपने हाथ में ले लेंगे और पोलिंग बंच से कहेंगे कि आप दूसरे कैंडिडेट का हिसाब किताब कीजिए, मतलब उसकी वो आइडेंटिटी प्रूफ कीजिए और उसको आगे जाने दीजिए। और उससे आप अच्छी तरीके से उसके आई कार्ड देख करके, सब चीज़ देख करके, अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये व्यक्ति सही बोल रहा है और पोलिंग एजेंट गलत बोल रहा है, जो वहाँ पे मतदान का एजेंट आया है वो अगर गलत बोल रहा है, तो आपको उसके 2 रुपये जब्त कर लेने हैं जो आपने उससे लिए थे, तभी आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वो सही निकलता है तो इस आदमी को पुलिस के हवाले करेंगे। और ये सारी कार्यवाही आपको करनी है, आपका पोलिंग बन इस कार्यवाही को नहीं करेगा। एक प्रकार का मत हुआ चैलेंज मत। दूसरे प्रकार का मतदाता ऐसा आ सकता है जो अंध हो, असक्त हो, तो उसके लिए जब स्याही का निशान करना है तो वैसे तो सबके लेफ्ट हैंड की पहली उंगली पे निशान किया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति अपना मत दे के गया तो उसकी उंगली पे निशान होगा। तो ऐसे में अंध असक्त के साथ अगर वो आया तो उसकी दूसरी उंगली पे आपको निशान करवाना है। ये ख्याल रखिए, अपने महिला पोलिंग ऑफिसर है जो भी निशानी कर रहा है उसको ये बात बता दीजिए कि उसकी दूसरी उंगली पे निशान किया जाएगा। और एक व्यक्ति एक अंध या असक्त के साथ एक ही बार आ सकता है, वो पूरे दिन में चाहे कि हम 4 अंधों को ले आए, 4 लोगों के साथ वो मतदान करने आएगा तो नहीं कर सकता है, इसलिए उसके यहाँ निशानी करनी है। ये हुआ दूसरी आपकी जवाबदारी का बात है। तीसरी जवाबदारी आपकी ऐसी है, टेंडर मत कहते हैं। मान लीजिए कि रमेश भाई मत देने आते हैं और रमेश जी का मत कोई और देके चला गया है, अब आपको मालूम पड़ा कि तो गड़बड़ हो गया, भाई ये तो रमेश यही है और दूसरा कोई रमेश नहीं है, और जो दे गया वो कोई और दे गया, आप उसको ढूंढने तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे एंट्री हो चुकी, सब कुछ क्रॉस लग गया, सब लग गया है, तो आप क्या करेंगे? आपको 10 बैलेट पेपर का एक वो दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मशीन से मतदान नहीं कर पाएगा। वो एरो क्रॉस मार्क दिया होगा और जिस प्रकार से पुराने ज़माने में मतदान हुआ करता था, इस प्रकार से वो मत करके और उसको कवर में पैक करके आपको देगा। वो सील बंद कवर आपको शाम को देना है। रजिस्टर में 70 का में उसकी एंट्री होगी, इसका आप ख्याल रखिएगा। देखिए, आपको मैंने चैलेंज वोट बताया, मैंने आपको टेंडर वोट बताया, मैंने आपके साथ अंध असक्त ऐसे लोगों की वोटिंग की बात की। अब एक प्रॉक्सी वोट आएगा, आर्मी में जो नौजवान हैं और उन लोगों को मतदान का अधिकार होता है, लेकिन अगर वो अपना मतदान नहीं कर पा रहे हैं तो किसी को अथॉरिटी देते हैं, उसकी पत्नी हो सकती है, उसका कोई, लेकिन जो भी मत देने आएगा वो 18 साल से ऊपर हो, ये जरूरी है, बराबर है ना? ये अपना भाई हो सकता है, उसके पिता हो सकते हैं, किसी को भी वो ये अधिकार दे सकता है कि मेरी तरफ से आप जाकर के मतदान करके आएंगे। तो जो ऐसे मतदाता होंगे, आपको उनकी लिस्ट पहले दी होगी, आपकी वोटर लिस्ट में उनकी लिस्ट आई होगी कि भाई इतने इतने मतदाता ऐसे हैं जो अपनी जगह पे प्रॉक्सी मतदाता उनकी जगह पे आने वाले हैं। अब ऐसा जो प्रॉक्सी मतदाता था उसके लिए भी आपको वही करना है कि उसने अपना मत दिया है तो उसकी पहली उंगली पे निशानी है और प्रॉक्सी की निशानी उसकी दूसरी उंगली पे करवानी है, जिससे कि दोबारा इस प्रकार का मत देने वो ना आ सके। और उसमें भी वही प्रक्रिया कि जो आर्मी का जवान है जिसकी लिस्ट आपके पास दी हुई है उसमें क्रॉस मार्क होगा, सारी चीज़ें वही होंगी और यहाँ पे आइडेंटिटी इसकी लिखी जाएगी 70 का के रजिस्टर में।
एक और प्रकार का मत आपके यहाँ पड़ सकता है, वो है टेस्ट वोट। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि भाई मैंने मत दिया था एक नंबर को और स्लिप दो नंबर की निकली है, तो आप उसको टेस्ट वोट बोला जाता है। उसकी सारी प्रक्रिया उसको समझा करके और उससे आप ये कहेंगे कि आप दोबारा से वोट दे सकते हैं। अब टेस्ट वोट में जो ज़्यादातर आपको नहीं बताया जाता, वो ध्यान रखने की चीज़ ये है कि वो एक ही बार वोट दे के देख सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उसको छः से अगर उस वो गलत निकल रहा तो उसको 6 महीने के लिए जेल में जाना है, इसलिए उसके पास ये अधिकार है कि वो 2 से 3 मत भी दे करके देख सकता है। पहला मत मान लीजिए सही निकला तो दूसरा भी दबा के देख सकता है, तीसरा भी दबा के देख सकता है, तो 2-3 मत वो दे के देख सकता है। या मान लीजिए उसने 2 मत दिए, फिर दूसरा कोई आ गया वो कहता है कि मैंने भी ये देखा है, तो वो भी 2 मत दे के देख सकता है। इस प्रकार से इस प्रकार की जितनी भी प्रक्रियाएँ होंगी, जितने वोट इस प्रकार से लोगों की हाजिरी में, क्योंकि जब टेस्ट वोट वो देगा तो आप कैमरामैन को बुलाएंगे, सब बुलाएंगे, टेस्ट वोट वाला वीडियो देखिए, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो एक इस प्रकार की वोटिंग आपके सामने आ सकती है, समस्या एक आपके सामने आ सकती है। अब जो महत्वपूर्ण आपको पूरे दिन में करने हैं, ये तो मतदान हुआ, हर 2 घंटे पर आपको आंकड़े लेने हैं। तो जो आपका पोलिंग बन बैठा हुआ है वो लेडीज और जेंट्स, कितने पुरुष कितने महिला मतदाताओं ने मत दिया है उसको टिक करता है, उसमें से आपको ये माहिती बड़ी जल्दी मिल जाती है। टोटल बटन दबने के बाद आपको टोटल मतदान मालूम पड़ जाएगा, महिला कितने हैं पुरुष कितने हैं वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएंगे। अब मान लीजिए कि 7 बजे मतदान शुरू होता है, 2 घंटे बाद आपके पास मांगेंगे, तो आप 2 घंटे की राह मत देखिए, 8:40 पे, 7 से 8 और 8:40 पे आप पहले 2 घंटे के आंकड़े अपने पास तैयार रखिए। आपके पास आपके जोनल का सेक्टर का फ़ोन आए तो बता दीजिए, आप सामने से फ़ोन करके उसको बता दीजिए, बड़ा खुश हो जाएगा कि वाह भाई भाई आपका काम तो बड़ा अच्छा है कि आपने पहले से एडवांस में बता दिया। ये चिंता मत कीजिएगा कि अभी 9:00 बजे मैं कहूँगा 9 बजे तक है, क्योंकि सारे सेक्टर ऑफिसर को भी ये सूचना दी हुई है कि आपको 20 मिनट पहले के आंकड़े लेने हैं, क्योंकि 9 बजे पे टेलीविज़न वाले ये चाहते हैं कि हम 9 बजे तक का मतदान दिखा दें। अब भाई ऐसी तो कोई प्रक्रिया है नहीं कि आप 9 बजे उन्हें बताएं और 9 बजे वो अपने आंकड़े दिखा पाएं। तो आज के ज़माने में, और ये सर्वमान्य है, मैं आपको एक ऑथेंटिक ट्रेनर के तौर पर ये बात कह रहा हूँ, ये वीडियो आप मेरी शक्ल भी देख सकते हैं, आप मेरा मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हैं सारी, कि भाई फलाने व्यक्ति ने ये बात इस तरीके से कही है अपने वीडियो में, इसलिए मैंने ये काम किया, बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं। बराबर, मैं एक जवाबदार ऑफिसर जो इस तरीके की कामगिरी ट्रेनिंग देता है, करवाता है, ऐसा एक व्यक्ति आपको ये बात बता रहा है। तो इससे क्या होगा कि हर 2-2 घंटे के आंकड़े आप 20 मिनट पहले ले लीजिए, 9 बजे के आंकड़े 8:40 पे ले लीजिए, 9 बजे के बाद आपको 11 बजे देने हैं तो वो 10:40 पे ले लीजिए, आपको उसके बाद 1 बजे देने हैं तो 12:40 पे ले लीजिए, और टाइम पे मतलब उससे 10 मिनट पहले आपको आंकड़े अपने सेक्टर ऑफिसर को दे दीजिए, सेक्टर ऑफिसर हुआ आरओ को पहुंचा देगा, आरओ डिक्लेयर कर देगा। ध्यान रहे कि अंतिम जो आंकड़े लेने हैं वो आपको फाइनल, जब आपका क्लोज बटन दब जाए मतदान के बाद, तब आपको वो आंकड़े प्रस्तुत करने हैं। वो आंकड़े में कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि वो जो आंकड़े आप देंगे वो आपके फाइनल आंकड़े होने चाहिए और वही आंकड़े बोलने चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एक खास बात ध्यान रखिए कि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, यानी आपके पास मजिस्ट्रेट के पावर हैं, आपके यहाँ कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा ये डिसीजन आपको लेने हैं, लेकिन फिर भी जो इलेक्शन की ड्यूटी में है वो लोग आपके यहाँ आ सकते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर जो आएंगे उनके पास अपने बिल्ले होंगे वो होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा मतदाता या बीजेपी का कोई ऐसा कार्यकर्ता या कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यकर्ता, बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं, यानी किसी भी पार्टी से संबंधित कोई भी कार्यकर्ता जिसको कि आपने आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया है एजेंट के तौर पे अंदर बैठने का, वो नहीं आ सकता है, या जो आपके क्षेत्र का उम्मीदवार नहीं है, आपके क्षेत्र का उम्मीदवार हो तो उसको ये अधिकार है, वो अपना सिक्का उसने बिल्ला लगा के रखा होगा आपके, उसमें उसका नाम बोल रहा होगा, उसका फोटो भी आपके पास होगा, तो वो एक व्यक्ति ऐसा है कि वो आपके यहाँ आ सकता है, उसका एक एजेंट होता है, चुनावी एजेंट बोलते हैं, वो भी आपके यहाँ आ सकता है, और जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो आपके यहाँ आ सकते हैं, इतने लोग। इसके अलावा बीजेपी आपके यहाँ से उम्मीदवार मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई भी खड़ा हुआ है, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके यहाँ आना चाहें, या स्वयं कांग्रेस के राहुल गांधी भी आपके यहाँ आना चाहें, तो उनको आने की परमिशन नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी जब तक आप उसको अंदर नहीं बुलाते हैं उसको आपके यहाँ अंदर आने की परमिशन नहीं है। कोई भी SRP का या किसी का भी जवान कोई भी वो भी, जब तक आप उसको अंदर नहीं बुलाते हैं उसको अंदर आने की परमिशन नहीं है। कोई भी पेपर यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रेस वाले, मीडिया वाले जो लोग हैं, वो भी आप
परमिशन हो उनके पास तो आपसे मंजूरी लेके अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा उनमें भी जिनके पास परमिशन होगी वही अंदर आ सकते हैं, इसके अलावा सबको आने की परमिशन नहीं है। खास ध्यान रहे, चाहे कैमरा वाला आए चाहे कोई आए, वो कभी भी जो मतदाता मत दे रहा है उसने किसको मत दिया इस चीज़ को कैच ना कर पाए, ये आपको खास ख्याल रखना है। उसकी एंट्री उतने एरिया में बतानी है, उससे आगे प्रोहिबिटेड कर देना कि आप इससे आगे नहीं आ सकते हैं। ये सब कुछ आपके अधिकार क्षेत्र में है। आपका कार्य बहुत अच्छे ढंग से चले इसका ख्याल इन्हीं बातों से रखा जा सकता है। अब शाम हो जाए, मशीन क्लोज हो जाए, इसके साथ आपको दो चीज़ें तैयार करनी है। सुबह मॉक पोल के टाइम पे जैसे मॉक पोल का सर्टिफिकेट तैयार करना होता है, ऐसे यहाँ पे आपकी प्रिसाइडिंग की डायरी कंप्लीट होनी चाहिए। और सत्रह गा ये एक फॉर्म है जिसमें टोटल आपके यहाँ कितने मतदाता थे, उसमें से कितने स्त्री थे, कितने पुरुष थे, कितनी स्त्रियों ने मतदान किया, कितने पुरुषों ने मतदान किया, पहले दो घंटे में कितना हुआ, दूसरे दो घंटे में कितना हुआ, तीसरे दो घंटे में कितना हुआ, इस प्रकार से वो सारी डिटेल्स उसमें होती है। तो जो डिटेल्स आपके 17 गा में हो वही डिटेल्स आपके 17 गा के हिसाब से ही आपकी प्रिसाइडिंग की डायरी में होनी चाहिए। और इन दोनों की एक एक कॉपी आप संभाल के रखिए अपने पास, और इनकी एक एक कॉपी तैयार कीजिए और वो आपको देनी है आपके सेक्टर ऑफिसर को। आपके पास 17 गा जो है उसकी कॉपी आपके यहाँ बैठे हुए एजेंट भी आपसे मांग सकते हैं, तो आप उनको भी एक एक कॉपी देना आपकी जवाबदारी है अगर वो मांगते हैं तो, क्योंकि उसमें लिखा होगा कि कितने मतदाताओं ने मत दिया है और उसमें वही हिसाब होना चाहिए जो आपकी मशीन में निकलेगा। क्योंकि वो अगर कोई एजेंट लेके जा रहा है आपसे 17 गा तो वो अपने ऑफिस में जमा करवाएगा, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, हैं, वो सबके लिए समान है। उसकी जेरोक्स भी हो सकती है, उसकी जेरोक्स करके भी लोग लेके उसको घूमेंगे और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन उसमें जितने मत हैं वो उसके पास कागज होगा और काउंटिंग होने के टाइम पे वो देख रहा होगा कि भाई कांग्रेस को कितने मत आए इतने, तो ये तो उसमें नहीं लिखा होगा कि कांग्रेस को कितने दिए, लेकिन टोटल मत कितने पड़े हैं वो जो उसमें लिखा होगा आंकड़ा वो उसमें दिखाई देने वाला है। तो टोटल मत वाला आंकड़ा जो है आप क्लोज बटन दबाने के बाद टोटल बटन दबा के देखेंगे कि टोटल मत इतने हैं, वही उसमें लिखिएगा, उसमें कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आप इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझ लें। तो 17 गा और आपकी डायरी का हिसाब प्रॉपर मिलना चाहिए, और इसको दो कॉपी में बनाइए, एक कॉपी आप आते ही सेक्टर ऑफिसर को दे दिए तो एडवांस में आपका हिसाब वहाँ पे पहुँच जाएगा। आप जब तक गाड़ी आए हो गाड़ी के साथ मशीन लेकर के जब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक आपके सारे हिसाब वहाँ टैली हो गए होंगे, और हो सकता है कि 10 बजे तक तो आप अपनी जगह से 9-10 बजे तो फ्री हो जाएं, क्योंकि अगर सारे हिसाब कंप्लीट हैं तो तुरंत ही वहाँ से आपको रिलीविंग मिल सकती है। तो महत्वपूर्ण जो बातें थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की करने की वो मैंने आपको बताई है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर इससे आपको लाभ हो रहा है तो अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें, और जितना ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएं उनको इसका लाभ दिलवाइए। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, और अगर आपको समय मिले तो मेरा चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, उस पर वाल्मीकि रामायण है, उस पर महाभारत है, बहुत कुछ उस पर ऐसा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। कालिदास हैं पूरे, उनका विज्ञान शाकुंतल है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप उनका आनंद ले सकते हैं। वहाँ चाणक्य नीति है, वहाँ विदुर नीति है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन के लिए बड़ी ही उपयोगी हैं, तो उनका भी आनंद लीजिए। धन्यवाद।